हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सोशल चेंज। लास्ट सेशन में हमने किया इंटरेस्ट इन द वे ऑफ सोशल चेंज। हम सोशल चेंज करते हैं लेकिन इसके सोशल चेंज में वो सारी प्रॉब्लम्स हैं कि सोशल चेंज नहीं हो पाता। एंड उसके बाद आज हम इस सेशन में करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। जो सोशल चेंज है समाज में टाइम के साथ स्लोली स्लोली सोशल चेंज होता जाता है, इसके लिए कितनी थ्योरीज हैं। तो हमारे पास टाइम टू टाइम सोशल चेंज की 6 थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। वो थ्योरीज क्या हैं? फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिटोरिएशन, मींस जो समाज है डिटोरिएट हो रहा है, उसका मोरल गिर रहा है, उसके वैल्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से समाज में चेंज आता है। तो पहली थ्योरी ये कहती है कि स्लोली एंड स्लोली सोसाइटी इज गोइंग टूवर्ड्स डिक्लाइन, वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, उसकी डिटोरिएशन हो रही है, उसके मोरल है वो गिर रहा है। जब मोरलिटी गिर जाएगी, मोरल वैल्यूज नहीं होगी, एथिक्स नहीं होंगे, तब सोसाइटी में क्या होगा? हर जगह डिससेटिस्फेक्शन होगी। हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए सोसाइटी क्या हो रही है, डिक्रीज करती है, डिटोरिएट होती है। इसलिए हम कहते हैं जब भी डिटोरिएशन होता है तो समाज चेंज होता ही जाता है। जैसे हम कहते हैं पहले जब हम स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे तो सब कुछ हमारा था, हमें माइंड एंड टाइम की फीलिंग नहीं थी। जब हम कहते हैं इन्वेंशन की, हमने डिवेलपमेंट की, हमने लैंड को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया, तो माइंड एंड टाइम की फीलिंग आ गई, जे लैंड का पीस मेरा, जे आपका, इसमें प्रोडक्शन करेंगे। तो हम सेल्फ इंटरेस्टेड होते गए, सेल्फिश होते गए, जिस कारण सोसाइटी डिटोरिएट होती गई। तो इस चीज को हमारी मिथोलॉजी है वो भी इस चीज को सपोर्ट करती है। मिथोलॉजी का स्टोरी सपोर्ट दिस डिटोरिएशन थ्योरी। कहते हैं पहले सतयुग था जिसमें सोसाइटी बहुत खुश थी, जब जब एक युग चेंज होता जाता है तब उसकी मोरालिटी गिरती जाती है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, एंड आज के टाइम में कलयुग है। तो इसमें पूरा समाज बदल चुका है, उसकी जरूरतें बदल चुकी हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं जब भी चेंज आता है, हर एक चेंज डिटोरिएशन लाता है। हम जब भी डिटोरिएट होंगे समाज तो चेंज होगा ही होगा। एंड उसके बाद सेकंड थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी का मीनिंग क्या है कि जो चेंज है टाइम के साथ अपने आप आया है, टाइम एंड सिचुएशन ने सब कुछ चेंज कर दिया, हमारी डिवेलपमेंट भी टाइम के थ्रू हुई है, जो एक नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। इसको हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑगस्ट कोमेंट है, वो बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। वो कहते हैं हम जब पुराने समाज की बात करते हैं और आज के मॉडर्न समाज की बात करते हैं, इनमें कितना चेंज आ गया। पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, इस चीज थी जिसमें हंटिंग ही सब कुछ थी, हंटिंग से हम एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, फायर इन्वेंशन करते हैं, मेटल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल चेंज आती है जिसमें हम प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। आज के टाइम में इंटीग्रेटेड चेंज आ गई जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इन सबको यूज कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जिस कारण चेंज आ रहा है समाज में। चेंज आना जो एक नेचुरल प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी थ्योरी ही जे बतलाती है। नेक्स्ट इज साइक्लिकल थ्योरी। साइक्लिकल थ्योरी क्या रिप्रेजेंट करती है, जे करती है कि जो एक सर्कल चलता है, साइक्लिकल सर्कल है जो हर एक चेंज लाता है। जैसे हम डे की बात करते हैं, एक डे के बाद नाइट आती है, नाइट के बाद डे आता है, तो जो सर्कल है। इसी तरह अगर हम अपनी सीजन की बात करते हैं, हर एक सीजन क्या है, एक सर्कल के बाद आती है। इसी तरह जो कहते हैं जो समाज में चेंज है ये भी एक सर्कल है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, उसकी बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो समाज में नए कस्टम्स, नई ट्रेडिशन, नई वैल्यूज का जन्म होता है, ग्रोथ होती है, मेच्योर हो जाती है, उसके बाद वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी जगह फिर नई वैल्यूज आ जाती है, तो समाज चेंज हो जाता है। तो साइक्लिकल थ्योरी है, इसको प्रेटो, स्पेंडलर, टॉइनबी, सोरोकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं जो सोशल चीज है फोर स्टेजेस के थ्रू आता है, जैसे बर्थ, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। पहले समाज का जन्म होता है, अब हम कहते हैं क्रांति आई है, रेवोल्यूशन आई है, पहले उसका जन्म हुआ, फिर वो मेच्योर हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा ग्रो करती है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें कमियां स्टार्ट हो जाती हैं, जिस वजह से वो डिक्लाइन कर जाती है और नई इडलोसी का जन्म होता है।
जो समाज है इसमें हमेशा क्लैशेस होते जाते हैं। जो लोअर स्टार्टम एंड अपर स्टार्टम के लोग हैं, इनकी क्लैशेस की वजह से ही जो समाज है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ सिस्टेमेटिक एफर्ट्स। सिस्टेमेटिक एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स की वजह से ही समाज में चेंज आता है। अगर हम कहते हैं कि समाज में चेंज आ गया, एवोल्यूशनरी थ्योरी के थ्रू आ गया, साइक्लिकल फंक्शंस के आ गया, ये सब कुछ नेचुरल था, लेकिन जो सिस्टेमेटिक थ्योरी के प्रोपोनेंट हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये चेंज ऐसे नहीं आता, चेंज के लिए हमको एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी चेंज आएगा। सोशल चेंज नीदर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन नॉर द नेचुरल प्रोसेस। ये किसका रिजल्ट है? हमारे सिस्टेमेटिक एफर्ट्स का रिजल्ट है। हम सिस्टेमेटिक स्पेशल प्लान्स बनाते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तभी तो चेंज आता है। अगर आप अपने एग्जाम्स की बात करते हो, आप कहो कि अपने आप हो जाएंगे, इसके लिए आपको अपनी डेली रूटीन है उसको चेंज करना पड़ता है। सिस्टेमेटिक चेंज, आप स्टडी कर रहे हो, किस वे से कर रहे हो, आपके टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में रूटीन में चेंज आता है, तब जाकर चेंज आएगा। उसी तरह हम ये कहते हैं अगर समाज में चेंज लाना है तो चेंज अपने आप नहीं आ जाएगा, चेंज लाने के लिए हमको एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी जाकर चेंज आता है। हम डिवेलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, ये अपने आप तो नहीं हो गया, इसके लिए हमने एफर्ट्स किए हैं तब जाकर चेंज हुआ है। तो जो चेंज है हमारे एफर्ट्स की वजह से ही होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी क्या कहती है? जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है एंड जो सोसाइटी के फंक्शंस हैं, अगर इनमें चेंज होगा तो इस वजह से समाज चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर में कहते हैं जो भी सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। एक इंस्टीट्यूशन में चेंज आता है उसका इम्पैक्ट दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी पड़ता है। जैसे हम कहते हैं आज के टाइम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, वो स्ट्रक्चर खत्म होकर हम नए इंस्टीट्यूशन में एड हो चुके हैं जो है न्यूक्लियर फैमिली का। इट मीन्स क्या है, हमारे रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, तो इसी तरह इनके फंक्शंस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी वो इंटर रिलेटेड होते हैं जो स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। पहले पॉलीगैमी था, अब मोनोगैमी चल रहा है, ये भी स्ट्रक्चरल चेंज है। और इसके साथ साथ जो भी सोसाइटी के इंटर रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, वो आपस में रिलेटेड होते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं समाज में चेंज आता है। हमारी थिंकिंग में चेंज आ रहा है, हमारे रिलेशंस में चेंज आ रहा है, ये सब रिलेशन सब कुछ किस वजह से हो रहा है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की वजह से ये चेंज आ रहा है। एंड लास्ट वन इज मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इट मीन्स क्या है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म? इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इनमें चेंज आने की वजह से जो समाज में चेंज आया है, इसको कार्ल मार्क्स ने डिवेलप किया है। वो कहते हैं समाज में इकोनॉमिक मटेरियल कंडीशन ऑफ सोसाइटी जब चीज चेंज होती है तो चेंज आता ही जाता है। जैसे हम कह रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे तो इसमें समाज में चेंज आएगा। तो इसमें चेंज कहाँ आता है? सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, जितने भी रिलेशंस हैं सब में चेंज आता है। तो यही चेंज क्या करता है? समाज को बदल के रख देता है, क्योंकि जो हैव्स एंड हैव्स नॉट है, इन दोनों के इंटरेस्ट ऑपोजिट होते हैं और इनके ऑपोजिट इंटरेस्ट क्लैश क्रिएट करते हैं, जिस वजह से समाज में चेंज आता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है, पहले क्या था? कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म में क्या होते हैं? जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं वो इन लोगों के होते हैं, लेकिन जब लेबर क्लास है, हैव्स नॉट क्लास है, अपने हथियार उठा लेती है, अपनी एक्सप्लाइटेशन के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, तब जाकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इनके खत्म होकर पूरे समाज के हो जाते हैं, तो सोशलिज्म इस्टैब्लिश होता है। तो कार्ल मार्क्स यही कह रहे हैं, तो समाज चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? जब इन दोनों के क्लैशेस हैं, जे क्लैशेस आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, तो पूरे समाज के रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाते हैं। और जो ये रिलेशनशिप है सिर्फ सोशल रिलेशन नहीं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह पूरा समाज चेंज हो जाता है। हमारे पास इतनी सारी थ्योरीज हैं सोशल चेंज की, इनमें से किसी भी एक थ्योरी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि समाज में चेंज लाने के लिए सिर्फ एक थ्योरी ही सफिशियंट है। तो सोशल चेंज के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल समाज को चेंज करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एक फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर्स हैं जिसमें
मास में चेंज होता है। तो विद दिस हमारा सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज सेंड योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।